नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर आज इनिशियली लेवल पे तो आ गई है और आने वाले समय में दिन पे दिन आपके लिए इनके लिए अच्छी खबरें आती हुई दिखेंगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और जैसे ही ये थर्ड टर्म शुरू हुआ है, पोर्टफोलियो एलोकेट हुई है, डेली बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। आज हालांकि ये एक्शन गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। स्टेट है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखी है उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पे गवर्नमेंट कह रही है भैया कि 5000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। 5000 इलेक्ट्रिक बस जल्दी खरीदेगी, 5000 यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। और ये खरीदारी की प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी दोस्तों। तो आज इनिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट हो गई है, 14 जून से हो सकता है आपको डेली कोई ना कोई स्टॉक रडार पे आए। तीन स्टॉक बताऊंगा जिसको लेकर अनाउंसमेंट होगी, इस कंपनी को इतनी बसों का ऑर्डर मिला उत्तर प्रदेश सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से। 5000 बस कंपनी होती है और तीन कंपनियां हैं। अब देखो किसे कितना मिलता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन तीनों स्टॉक आज जरूर फोकस में हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं, शुरू करता हूं एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करना। पूरी अपडेट क्या है, यही है, ई बसों के बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। 5000 इलेक्ट्रिक बस जल्दी खरीदेगी यूपी सरकार और खरीदारी की प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी। अब कौन कौन से स्टॉक हैं, आप सभी को पता है टाटा मोटर्स है एक, तो आप सभी को पता है अशोक लेलैंड भी है, दो और कंपनियां, टोटल तीन बोली मैंने, चार बता रहा हूं आपको, पूरा ही इंक्लूड कर देते हैं, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो। और ये चार की चार कंपनियों में अगर कोई सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है ऑर्डर पे तो वो है ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स एक बार को इस तरीके की अनाउंसमेंट आती है तो अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन ये स्टॉक तो 5 से 10% चल जाते हैं भाई साहब। तो स्टॉक रडार पे रखने हमें मेन जो है वो ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो। अलग ही वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को शुरू से महंगे लगते हैं, बट क्या करें, खबरें चल रही हैं, अच्छी खबरें हैं तो बढ़िया है। स्टॉक की बात करूं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो दोस्तों एक बड़ी तेजी बनी थी फरवरी 2024 में, 2100-2200 के हाई लगे, कंसोलिडेशन में गिरावट आई, 1600 रुपए के लो लगे, वापस से ऊपर आ रहा है। ऑलमोस्ट 1787 का आज का क्लोजिंग प्राइस है, 1834 का आज का हाई है, डबल बॉटम फॉर्म कराए 1600 पे, ऊपर चलने की तैयारी में, 1920 रुपए का पहला लक्ष्य बनेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। 14 जून के बाद जिस दिन भी खबर आएगी भैया 500,000 जो बस का इन्हें ऑर्डर का खबर आई, उसी दिन भागेगा ये स्टॉक। अब कौन सा दिन होगा वो मुझे नहीं पता, ये भी नहीं लिखा कि इतने समय में खरीद लेगी सरकार, ये लिखा है कि 14 जून से शुरू हो जाएगी। अब पता नहीं वो 3 महीने में खरीदेगी, 1 महीने में खरीदेगी या 1 साल में लेगी, वो हमें नहीं पता, आपको भी मैं बता दूं किसी को नहीं पता है। तो इतना जरूर है 14 जून के बाद खबर कभी भी आ सकती है और हो सकता है बहुत लंबा समय लग जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। पता चले आप कल ले लो, 14 जून को कमेंट करो अंकुर भाई लिया था लॉस में क्या करें, तो भैया अंकुर भाई को भी सिर्फ इतना ही पता है जितनी आपको चीजें बताई हैं। गवर्नमेंट एक टाइम फ्रेम दे देती ना कि इतने समय में लेंगे तो मैं कह देता कि इतने समय में रैली कर जाएगा, लेकिन टाइम नहीं दिया है इसलिए, बट इतना जरूर है ज्यादा समय नहीं लगाएगी सरकार। तो एक तो हो गया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, दूसरा जेबीएम ऑटो, ये भी बड़े रिएक्शन देता है दोस्तों खबरों के दम पर, तो यहां भी आप फोकस रखें। जेबीएम ऑटो की बात करें अगर, तो स्टॉक का प्राइस मैं एक बार आपको बता दूं, 2082 के लेवल पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 2119 का आज हाई लगा है, 2428 का हाई है इसका। स्टॉक की बात करें इसमें ऊपर हाई लगने के बाद गिरावट आई, गिरावट में 1750 के लेवल मिले, अभी दोबारा ऊपर आ गया है, राउंडिंग बॉटम टाइप बन रहा है, हो सकता है आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई जल्दी हिट करे। वैल्यूएशन टर्म्स में 138 के पीई पे ट्रेड करता है, तो सस्ता तो ये भी नहीं है, लेकिन 3000 रुपए हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर खबरों में आया ये शेयर वापस से तो इन्वेस्टमेंट पोजीशन अभी भी बरकरार रखें। एक बात और कहना चाहूंगा, हाई बीटा स्टॉक है, कमजोर दिल वाले ना खरीदें, अवॉइड कर दें, दैट्स इट। आगे अशोक लेलैंड, ये भी फोकस में आ सकता है। अशोक लेलैंड ऑलरेडी बहुत ऐसा स्टॉक है जो उस पर सब बुलिश है, जो चला नहीं है ज्यादा, 28 के पी पे, 237 पे आज क्लोजिंग आई है, 238 का आज लाइफ हाई भी हिट करा है, अब चलना शुरू हुआ है, 280 रुपीस तक के इसके इवेंचुअल टारगेट्स हैं ब्रोकर एनालिस्ट की तरफ से। स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है डेफिनेटली कैरी करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, 220
225 का स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, पोजिशनल बेसिस पे सोचो, हर दिन थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है ये स्टॉक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाटा मोटर, और इसके लिए तो भाई साहब बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आज आप सभी के साथ दोबारा एक वीडियो में कवर करूंगा, दिन के दौरान तो कवर करा ही था। तो ये स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जहाँ पे यूपी गवर्नमेंट से 5000 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स जल्दी मिलते हुए दिखेंगे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।